हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल पजामे की कटिंग सिखाऊंगी, किस तरह से हम सिंपल पजामे की कटिंग करते हैं। उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसके हिसाब से आपने कपड़ा लेना है, और जितनी आपको चौड़ाई चाहिए वो आप अपने हिसाब से रखिएगा कपड़े की। ये देखिए, इधर से वन साइड है, इधर से नहीं हम कटिंग करेंगे, दूसरी साइड से इसकी कटिंग करेंगे। हमने फुल गेयर कपड़े का लिया है क्योंकि कमी है इसका गेयर, तो फुल गेयर रखा है हमने कपड़े का। हमने यहाँ से आसन लिया है, आसन हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमने जो बेल्ट है अलग से नहीं डाली है, इसके बीच में से ही हमने बेल्ट को फोल्ड कर लेना है, तो हम इसको इसका जो आसन है ज़्यादा रखेंगे। इसके लिए हम ये 17 इंच पर आसन का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए इसके बाद हमने जो इसकी लेंथ है वो लेनी है, जो लेंथ है हमने इसकी 38 इंच तैयार रखनी है, तो हम 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लेंगे, 40 इंच, और 2 इंच हम नीचे से एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम टोटल रख लेंगे इसकी 42 इंच। तो 42 पर हमने इस तरह से ये निशान लगा लेना है, ये हमने 42 इंच पर रखा है इसकी। इसके बाद हमने यहाँ से मोहरी रख लेनी है, कितनी हमें मोहरी चाहिए वो हमने रख लेनी है। यहाँ से हम इसकी ज़्यादा मोहरी रखेंगे, थोड़ी हम इसकी 10 इंच मोहरी रख रहे हैं। आपको जितनी मोहरी चाहिए आप उसके हिसाब से इसकी मोहरी लेना, जहाँ से हम इस तरह से गोलाई में काट डालेंगे। यहाँ से हम मार्जिन छोड़ लेंगे। ये हमने कपड़े का मार्जिन रख लिया है, ये आसन है और ये मोहरी है, तो हम ये कपड़ा अलग कर लेंगे क्योंकि हमें जहाँ तक ये लेंथ चाहिए इसकी, तो ये कपड़ा हम अलग कर लेंगे। अभी हमने कटिंग जो है यहाँ से करनी है, यहाँ से नहीं करनी है क्योंकि ये हमने सिलाई के लिए रखा है, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी कटिंग है मैंने इसकी, और ये साइड के साथ आप इसकी जो कटिंग कर सकते हो, घर पे खुद अपना पजामा जो है सिलाई कर सकते हो। ये देखिए, ये हमारे पजामे की जो कटिंग है वो हमने कर ली है इस तरह से। ये देखिए, एक पल्ला ये है और दूसरा पल्ला ये रहा हमारा इसका। देखिए, इस तरह से हमारे पजामे की जो है कटिंग हो चुकी है। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने पजामे की कटिंग जो है घर पे कर सकते हो।